कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो। ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता। और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है।